मैं फरहान और आप इंडियन मीडिया बुक देखना शुरू कर चुके हैं और आज मैं बात करने वाला हूँ जो अक्टूबर के महीना में इलेक्शन होने वाला था वो इलेक्शन पोस्टपोन्ड हो गया है। उसका रीज़न क्या है और क्यों हुआ है उसके जानकारी देने के लिए रिजवान असद साहब हमारे साथ हैं, वो आप बताएंगे कि ये क्यों हुआ। रिजवान भाई, ये जो पोस्टपोन्ड हुआ उसका कारण क्या है? आपको पता होगा कि 17 MLAs जो डिस्क्वालीफाई हुए थे जी पिछले असेंबली रमेश कुमार जी ने किया था, वो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाले थे और अर्जी की सुनवाई चल रही थी और इस दरमियान भाई इलेक्शन अनाउंस भी हो गए थे। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्शन को स्टे दे दिया है, ये कह करके हम एंटी डिफेक्शन लॉ बिल को पूरा स्टडी करना चाहते हैं और जो रमेश कुमार ने जो जिस हालात से उनको डिस्क्वालीफाई करना चाहता है उसको पूरा स्टडी करना है। और इस दरमियान जब तक का ये केस चल रहा है MLAs का, इस दरमियान तुम इलेक्शन नहीं रख सकते। अक्टूबर 20/2 तक इस इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया गया। तो अक्टूबर 22 अक्टूबर को फिर से हियरिंग होगी और उसके बाद अगर हियरिंग के बाद भी अगर कोई नतीजा नहीं निकला, वो डिपेंड होता है जज के ऊपर के रूलिंग दे इलेक्शन होना है या नहीं, या डिस्क्वालीफाइड ये हो रहे हैं या नहीं। मगर हमने ये भी न्यूज़ मालूम हुई है कि अगर इलेक्शन डिक्लेयर भी हो गया नवंबर या दिसंबर के महीने में, जो नामुमकिन है, बीजेपी ये चाहती है कि वो मिड टर्म पोल जाए, तो इसलिए एक वेलकम कांग्रेस वालों ने भी वेलकम किया है और JDS वालों ने वेलकम सुप्रीम कोर्ट के इसे वेलकम किया है कि ये बहुत अच्छा डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, ताकि सबकी बात सुनकर एक नतीजे भी मिलेंगे और सबको इंसाफ मिलेगा। तो मिड टर्म इलेक्शन का मतलब है कि सिर्फ ये 15 सीट पे नहीं होगा, ओवरऑल पूरे कर्नाटका में। क्योंकि अभी बीजेपी में बहुत दलमल चल रही है और बहुत येडियुरप्पा की सीट कुछ हिल रही है और येडियुरप्पा और सेंट्रल से कुछ खास तालमेल नहीं है, लीडरशिप चेंज करने की एक चांस भी है। इस दरमियान हाई कमांड ये सोच रही है कि अगर हम बाईपोल रखें तो कुछ डिसिडेंट्स एक्टिविटीज ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए वो मिड टर्म पोल करना चाहते हैं दिसंबर या जनवरी में। तो मतलब ओवरऑल क्या है कि जो बीजेपी की भी गवर्नमेंट है, येडियुरप्पा साहब की जो गवर्नमेंट है, सही से चल नहीं रही, नहीं चल रही है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए बीजेपी भी चाह रही है कि इसको सीधे एक ही बार लेके जाएं और मिड टर्म इलेक्शन करके फुल फ्लेज देखा जाए क्या होता है। तो वो उनको इतना कॉन्फिडेंट है कि वो हम बहुत बड़ी बहुमत से जीतेंगे। तो रिजवान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पर रोशनी डालने के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक।